हाय फ्रेंड, मैं शेफ दीपान आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ ग्रिल सलमन। चलिए शुरू करते हैं ग्रिल सलमन। अभी आप लोग देखिए ग्रिल सलमन के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कैसे बनता है ग्रिल सलमन, कैसे ग्रिल होता है, तो आप लोग देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है सलमन फिश जिसको हम लोग अभी ग्रिल करेगा। मैं शेफ दीपन आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ ग्रिल सलमन। इसके लिए चाहिए बारबेक्यू सॉस, रोजमेरी और चाहिए ऑरिगेनो। ये सब देखिए मैरिनेट किया सलमन फिश। ये सलमन फिश इसको आप ग्रिल करेगा। आप लोग देखिए कैसा लगता है फिश, कैसे बनता है ग्रिल फिश। ग्रिल फिश के साथ देना है इंग्लिश वेजिटेबल बॉयल। इसके लिए चाहिए ब्रोकली, जुगनी, कैरोट, बीन्स ऑलरेडी हम अब बॉयल कर लिया। ग्रिल के लिए पैन गरम कर लिया। अब दे रहा हूँ बटर। अब इसमें सैलमन मछली अभी ग्रिल हो गया। 10 मिनट लगता है ग्रिल होने में। मटर के साथ देना है गार्लिक थोड़ा सा। अभी दे रहा हूँ गार्लिक चॉप, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गार्लिक। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे बॉयल वेज, जो इंग्लिश वेजिटेबल कटा हुआ था वो। अभी हम लोग दे रहे वेज, इसमें दे रहा हूँ सॉल्ट और दे रहा हूँ ब्लैक पेपर। अभी हम बना रहे ब्राउन सॉस। ब्राउन सॉस ऑलरेडी बना के रखते थे। अभी इसको थोड़ा पानी देके गरम करना है। गरम करने के बाद इसको हम ऐड करेंगे ग्रिल सलमन, जो ग्रिल किया उसके ऊपर से देना है ब्राउन सॉस। प्लेट में सलमन ग्रिल सलमन फिश ले दिया अभी, और छोटे भेज भी प्लेट में दे दिया। अभी दे रहा हूँ सलमन फिश के ऊपर जो ब्राउन सॉस बनाया था उसके ऊपर से ब्राउन सॉस। प्लेट को थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए अभी प्लेट को थोड़ा सा गार्निश कर रहा हूँ, क्योंकि गेस्ट का सामने जब प्लेट जाएगा तो खाली रहेगा तो अच्छे नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। ऑलरेडी कंप्लीट हो गया ग्रिल फिश। अब कंप्लीट हो गया ग्रिल सलमन फिश।
जो करना था मैं कर दिया, अब कंप्लीट डन। अभी प्लेट जाएगा गेस्ट के सामने रेस्टोरेंट में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, और अगर आप लोग मेरा चैनल में नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।